सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट 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 डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो फैमिली एंड स्माइल प्लीज। ओके, तो आज के इस वीडियो में देखो, थोड़ा सा मेरा रूम गंदा है, मतलब पेंटिंग नहीं करवाई है, मैं करवा लूँगा अब जल्दी में ही, मतलब जल्दी में ही पेंटिंग हम करवा लेंगे अपने रूम में। तो तब तक के लिए थोड़ा सा ऐसा मैसी वाला रूम देख लो, ठीक है। और अभी सामने से मेरे जो दीवार वाली टूटी फूटी लगभग ऐसी है, मतलब अभी हमने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ऐसा करके मेरी दीवार अभी भी, मतलब उसका हम लोगों ने प्लास्टर किया है, ज़्यादा पैसे खर्चा करने, हमारा काम चल ही रहा है। और मैंने कर्टन भी अपना उधर ही लगा लिया है कि मुस्किन, तो मेरा मतलब रूम सही सॉर्ट हो गया, तो दीवार नहीं दिखी और ऑब्वियसली यार, फालतू क्या करना पैसा खर्च करके। हाँ, तो अभी इस वीडियो में तो पहलू आसमान के सेटअप करिए, पूरी वीडियो जिस तरह से है, तो अगर दुनिया में इंसान के दो पहलू होते हैं, जैसे क्या हो रहा है, तो ठीक उसी तरह आसमान के। और अगर आपको कुछ भी परचेज करना है मुझसे रिलेटेड या चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाले हुए, लिंक में आप जाकर, डिस्क्रिप्शन से आप जाकर परचेज कर सकते हो सामान, तो आपको सस्ते से सस्ता सामान मिल जाएगा उधर से, अमेजोन का लिंक हुआ है, तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो देखो, तो अभी ये देखो, ये है मेरा ग्रीन स्क्रीन, बोला था ना, मतलब एक कर्टन ही होता है बस यार, काफी गंदा। और मतलब अगर आप ग्रीन स्क्रीन मंगा रहे हो ना, तो काफी पैसा खर्च कर लेना, बिकॉज आप सस्ते के चक्कर में क्या बनवाओगे, ठीक है ना, तो सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। और इसके हुक मैंने अभी अंदर बैठ के टाइम Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles. I'm not sure if you're going to be a good person. I'm not sure if you're going to be a good person. मुझे इसको गंदा करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, लेकिन करना पड़ेगा, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये जमीन में टच हो, लेकिन टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन स्क्रीन कंप्लीट है, इसको सेट करते हैं के लिए, स्लाइड में बस अगर मतलब साइड वाइड अगर ठीक ठाक रहेगा ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर साइड ही इसकी ठीक से सेट नहीं होगी, तो थोड़ी बड़ी टेंशन है। चिपक गया, ठीक है, देखो कितना घना घना मैंने डाल दिया, लेकिन मुझे अपनी पीसी वाली टेबल पे चढ़ना पड़ेगा, खूंटी का सहारा लेके इसको कर दिया यहाँ पे, और ये। तो अभी जैसा कि देख रहे हो, पसीना पसीना हो रखा हूँ ऐसे, तो बिकॉज लाइट अभी भी चली गई है और सामने वाला बल्ब एलईडी भी बंद हो चुकी है। तो अभी देखो, ये ग्रीन स्क्रीन ऐसा है, ठीक है, इसमें सिलवटे नहीं है, लेकिन ये जो साइड में ये वाली सिलवटे पड़ी ना, ये इधर पे देख रहे हो, ठीक है। तो इनका कलर अगर मैं कलर हटाऊंगा, मतलब प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, बराबर पूरे में कलर आना चाहिए, जैसे कि अभी इस वाले साइड में देखो अंधेरा टाइप में है और इधर पे लाइट ज्यादा, तो अगर मैं इस वाले कलर को गैप करूंगा तो ये वाला कलर बना रहेगा, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करना पड़ेगा, इधर भी लाइट लगानी पड़ेगी, इधर भी लाइट लगानी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे अब बैटरी से लाइट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि पता नहीं लाइट है कि नहीं है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफी सारा काम करना पड़ेगा, तो अभी अगर आप लोग जाना, देखो यहाँ का बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है, इसको मुझे बाहर से बंद करना पड़ेगा, वो काम मैं अभी आज ही करूंगा, इसको भी बंद करूंगा, उसके बाद ही मैं दिन में वीडियो शूट करूंगा, नहीं तो रात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर अंधेरा रहेगा, इधर भी अंधेरा रहेगा, तो बाहर से लाइट नहीं आएगी। हाँ, आ रहे बाबू, आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इधर मेरी प्यारी भांजी मुझे बुला रही थी काफी, तो मैं चला गया बाहर, और बाहर के देख लो थोड़ा सा सिनेमैटिक, उसके बाद फिर वापस आते हैं ग्रीन स्क्रीन पे। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, लुक एट द व्यू मैन, मतलब क्या गजब के काले बादल है, मतलब उधर जब सामने देखो ना, तो बिल्कुल बस काले काले बादल दिख रहे हैं।
जो कैमरे का फ्रेम होगा वो तो इतना सेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना वो मेरा कैमरा का फ्रेम सेट हो जाएगा, सही है, नॉर्मल मस्त एकदम धमाकेदार है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिल्वरटिंग इनको थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, इधर इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, ठीक कर क्या दूंगा, कर दूंगा। थोड़ा ऊपर टंग गया, ठीक है। तो अभी जैसा है लगभग, ठीक है, तो अभी जैसा है वैसा मुझे ठीक लग रहा है, मतलब लगभग ठीक ही है। तो अब इसको मैं बना सकता हूँ अपने मेन फ्रेम बना सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्रेम हो गया, बस प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक एलईडी इधर की ओर मुंह करके बैठी हुई है, वो 7 वॉट की, उधर 5 वॉट की लगी हुई है, तो उसका जो 5 वॉट का जो लाइट है वो इस वाले शेडो को कैंसिल नहीं कर पा रहा है। तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे इतनी दूर या तो खड़े होकर मैं अपना वीडियो शूट करूं, इतनी दूर अगर मैं खड़े होकर वीडियो शूट करता हूं तो ज्यादा एरिया कवर होगा और शायद मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा। तो अभी मैं देखता हूं क्लियर करके कि क्या मेरा वीडियो मतलब लगभग अच्छे से चल रहा है या फिर खराब चल रहा है, कैसा चल रहा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, बट मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे सॉफ्ट बॉक्स खरीदना ना पड़े। तो मैं खर्च ज्यादा करना नहीं चाहता हूं अभी, बिकॉज इनकम उतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं सॉफ्ट बॉक्स पे खर्च कर दूं और 12-15 हजार के मैं सॉफ्ट बॉक्स खरीदूं लाइट के लिए सिर्फ, तो इतना तो अभी नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं। तो अभी ग्रीन स्क्रीन पे इन्वेस्ट कर दिया और थोड़ी हल्की फुल्की एक लाइटनिंग में कर लूंगा तो शायद मेरा काम चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी इसको मैं एडिट करके देखूंगा क्या अच्छा चलता है कि बुरा चलता है, कैसे चलता है, जो भी होगा देखते हैं। तो भैया इसे हमारे ग्रीन स्क्रीन का काम कैसे चलेगा, मतलब यार देख लो यार, अब ग्रीन स्क्रीन पे ये लोग भी चलेंगे, तो अगर ये लोग चलेंगे तो कैसे काम चलेगा मेरे ग्रीन स्क्रीन का। तो यार यार मतलब वॉट लगा दी इन लोग ने तो, मतलब हाँ ये अपनी बारात लेके चले आ रहे। ए, नीचे 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 रुकना रुकना, देखना अभी बूम, गेट आउट ऑफ माय ग्रीन स्क्रीन राइट नाउ मैन। मैंने अभी यहाँ पे शूट किया है और दिखाया तो अपना बोया का माइक, ये बोया का मैंने माइक खरीदा है, इसका भी रिव्यू मैं कर दूंगा एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पर मतलब अभी पूरा शूट करा एकदम प्रोफेशनली टाइप से और बस मतलब लाइटिंग वाइटिंग भी सही कर दी, इधर पे यहाँ पे खड़ा था तो मेरी कोई भी शेडो पीछे नहीं जाए तो शेडो वाला काम ही खत्म हो गया, और ब्लैक टी शर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है तो ग्रीन आराम से रिमूव हो जाएगा। बट अभी एक ध्यान देना पड़ेगा वीडियो क्वालिटी कैसी आई उस पर। तो बस मेरा ये वीडियो शूट हो गया है, तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को व्लॉग्स देखने के लिए, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए, तो बस सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। थोड़ा पैसा वैसा आने दो, कोविड खत्म होने दो अच्छे से, उसके बाद फिर हम निकलेंगे बाहर, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। बाय बाय।